हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बिहार SSC रुक्मणी का टेस्ट सीरीज 6 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक USA एवं कनाडा के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान देशों की सीमा पे फैला हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक चली थी। इस योजना में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग पर समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ अमेरिका में वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी ने रसायन के क्षेत्र में रेडियन और पोलोनियम की खोज के लिए ने नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व के बाद सरोजिनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया था, परंतु इनके पूर्व ही गांधी को 5 मई 1930 को यलवदा जेल में गिरफ्तार कर लिया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारिक पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किया जाता है। कृषि पर आयकर यानी राज्य सरकार लगा सकता है कर। खासी भाषा, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा इसमें सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोन खमेर शाखा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं झारखंड, असम, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्से में बोली जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को सबसे बड़ी संथाली है भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म है? ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका, कैंटस। इसका आंसर हो जाएगा सी, अरेबिका। अरेबिका अधिकतम कॉफी उगाने वाली किस्म है। कॉफी भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है कर्नाटक में होता है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन दार्जिलिंग में होता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ब्राजील में विश्व कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उगाने वाला ब्राजील है। इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका आंसर हो जाएगा
तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया, वह हरित क्रांति के रूप में परिणित हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी के बीच हुआ, जब भारत की चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था। तब भूखा, भारी सूखा एवं अकाल का समय रहा था। इसी समय गहन कृषि कार्यक्रम और गहन पशु कार्यक्रम शुरू किया गया, फिर इसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील शिवाजी सागर झील, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। तसो लहामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया? 1907, 1904, 1903, 1905, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1905, सॉरी फोर, 1904। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्य का संघ यानी यूनियन टेरिटरी, भारतीय, इसका आंसर हो जाएगा एक राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया। भारतीय संविधान के भाग वन में कहा गया है, अनुच्छेद वन में, भारत राज्यों का संघ है। संविधान के भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में एक हरी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा कार्य संपादन न कर सके? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, बी। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है और धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर अपनी हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव, धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, बिस्मार्क से किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना। बिस्मार्क ने अपनी जर्मनी का एकीकरण किया, वह महान राजनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क महान राजनीतिक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, देशी राज्यों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने व महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सूर्य के रहस्यों की को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को नासा का लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहलुओं की पड़ताल के लिए है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से लगभग चंद्रमा की दूरी 384,400 किलोमीटर है। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि, बी हो जाएगा इसका आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजन लिए भी अनुच्छेद 226 के अधीन
पांच प्रकार की रीट जारी कर सकती है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका आंसर हो जाएगा बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इसके लेखक हैं। चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने अजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण पर की धरती पर किया था। इसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? टकला मकान चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल लोयस का मैदान में मंगोलिया और चीन से मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में है तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी जियोग्राफी में भूपटल, जियोग्राफी में भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक भाग यानी भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। कार्पोलॉजी मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब यह वस्तु खरीदते हैं अर्थात वस्तु के क्रय में आंतरिक मुद्रा चुकाना पड़ता है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज ने जीता। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकाहाशी को हराकर जीता था। जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब और जुलाई 2023 में कोरिया ओपन का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। पीट कोयला निकृष्ट अथवा कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी डी। 1947 ईस्वी में जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त किया गया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय थे। 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद्दावी सीतारमैया थे। भारत में आजादी के समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने लेबर पार्टी के नेता थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष न्यूनतम। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु 35 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्वामी विवेकानंद नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही कहा था साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। गांधी जी मानते थे कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा। गांधी जी का मानना था कि जैसा बीज होगा वैसा ही फूल फल होगा। और मैकियावेली का मानना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो। कौटिल्य भी लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कौटिल्य के लक्ष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन। उद्देशिका में 42वां संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान में अब तक एकमात्र बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते? इसका आंसर भी डी ही होगा, महात्मा गांधी। इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर भी बी होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। संसद ने किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र में विधेयक प्रारित किया जाता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर पर विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर विधेयक पर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। और भारत में संसदीय प्रणाली है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? आंसर हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम, इसका आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे और तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935 भारत शासन एक्ट, भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट था 1935। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा क्यात। क्यात म्यांमार देश की मुद्रा है। रेमेनबी चीन की मुद्रा रेमेनबी है। और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक, राजधानी उलन बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे। प्रथम भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश, इसका आंसर हो जाएगा सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जिनका नाम महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक ग्राम में शाक्य यानी क्षत्रिय कुल में हुआ था 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को मिलता है जिसकी स्थिति ग्लोब पर
23.1/2 नॉर्थ से 23.1/2 साउथ अक्षांशों के बीच होती है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1911 से 21। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? इसका आंसर हो जाएगा सी जल संसाधन, अजैव और नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? इसका आंसर हो जाएगा डी पानीपत, खुर्जा, रोहतक और मथुरा। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। इसका आंसर हो जाएगा डोडोमा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। बोगोटा, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। इसका आंसर हो जाएगा ए कोलंबिया। बोलिविया की राजधानी लापाज है। लाइबेरिया की राजधानी मेनरोबिया है, लाइबेरिया की राजधानी मेनरोबिया। और गाम्बिया की राजधानी बंजुल, गाम्बिया की राजधानी बंजुल, नोट करिएगा। कोलंबिया की राजधानी, फिर से बोल रहे हैं, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, लाइबेरिया की राजधानी लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी मेनरोबिया, गाम्बिया की राजधानी बंजुल और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। बोगोटा। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 अगस्त सी। आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लेखक शोभना नारायण। लेखक कौन है? लेखक शोभना नारायण है। इस पुस्तक में मौर्य और गुप्त अवधि के दौरान बिहार के शास्त्रीय नृत्य के विकास का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी स्वास्थ्य सुधार से है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन के तहत अस्पताल के मरीज को फ्रेंडली बनाना ताकि साफ सुथरा माहौल बना रहे, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची में। पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय है। पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्ट 5 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के परावर्तित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही नायलॉन थर्मोप्लास्टिक से, इसका ये ठीक है। पीवीसी थर्मोसेटिंग, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से सुमेलित नहीं है। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं। पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग नहीं है। इसका आंसर गलत हुआ। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक एक से निकटतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा वायु, सी का हो जाएगा सी, जो 55 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, माणिक्य रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यह ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा डी। यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र कम हो जाना, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कान। यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित हो जाती है? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होती? मनुष्य की एक ही आंख होती तो भी दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। त्रिविमीय बी सी दोनों होगा इसका आंसर। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन, रुधिर के स्कंदन में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहयोग देता है। लाल रक्त कण को की आयु होती है 100 से 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सही स्मेल है? इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन, दिल का दौरा। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ये सही है। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, एड्स वायरस का अनुवांशिक एक सूची आरएनए, इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनोबोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रहने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियोन एक नोबेल गैस है जिसकी खोज विलियम रैमजे ने 1895 ईस्वी में किया था। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहलाती है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिक के संलयन के प्रचालन में, इसका आंसर सी हो जाएगा। ताप ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलरागी कोलाइड। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 38 अणु ATP। समुद्र पतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का, समुद्र खरपतवार। आयोडीन एक महत्वपूर्ण अवयव है, साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वासियोकर, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा? जल शीर्ष तक पहुंचता है जाइलम द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लोएम में पत्ती द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचता है। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, साइटोलॉजी। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3, इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर की ब्याज क्या होगी?
इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर हो जाएगा डी, 17%। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर हो जाएगा बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो जाएगा ए, 10। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2√5। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यंजक। ये कट गया है, यहाँ पे व्यंजक होगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर हो जाएगा बी, 18। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर भी हो जाएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5/3। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित संख्या में से कौन सा सबसे बड़ी है? क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90,000, इसका आंसर हो जाएगा 90,000। क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 9। 90,000, इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.005। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 102, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर हो जाएगा ए, 9। क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर हो जाएगा 366 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर हो जाएगा डी, 5790। क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 113, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर हो जाएगा HGVMLB। क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर हो जाएगा डी, 322। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर हो जाएगा BC। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 पहले। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर हो जाएगा ए, लिबरल। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 किलोमीटर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 124 इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 126 इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 127 इसका आंसर हो जाएगा डी, अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी, 128 का आंसर हो जाएगा सी फर्श, 129 का आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 129 इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 131 इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 132 इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो और चार निकलते हैं, 133 का आंसर हो जाएगा डी हेल, 134 क्वेश्चन नंबर 134 इसका आंसर हो जाएगा सी, 144 क्वेश्चन नंबर 135 इसका आंसर हो जाएगा ए बेटी, क्वेश्चन नंबर 136 इसका आंसर हो जाएगा ए सास, क्वेश्चन नंबर 137 इसका आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 138 इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 139 इसका आंसर हो जाएगा सी, 1978 क्वेश्चन नंबर 140 इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 140 इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 141 इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तर, क्वेश्चन नंबर 142 इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 143 इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 144 इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 145 इसका आंसर हो जाएगा बी 22, क्वेश्चन नंबर 146 इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर होगा बी 5 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, और क्वेश्चन नंबर 150 इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।